Very good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. Manjeet Akshak. इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 3. टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्ट्रीन, एक्रीलिक. उसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि इनके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनकी क्या खासियत है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो आप इमेजिन करो कि इट्स अ रेनी डे. सो जब रेनी डे होता है तो हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला. तो आप सोचिए कि अम्ब्रेला जो है किस तरह के फाइबर का बना है और ऐसा क्यों. व्हाट काइंड ऑफ द अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई. इसका मतलब है अम्ब्रेले का फाइबर क्या है और जो फाइबर अम्ब्रेला बनाने में यूज हुआ है वो इसमें क्यों यूज हुआ है. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स. मतलब इनकी खासियत क्या है कि दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल और एक्सपेंसिव कम होते हैं, मतलब सस्ते में मिल जाते हैं, रेडिली अवेलेबल एंड इनको मेंटेन करना भी आसान होता है. तो इन सबको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उससे आप अपने आप से सीख जाएंगे. हम करेंगे एक्टिविटी 3.2. इस एक्टिविटी को करने के लिए हम दो क्लॉथ के पीसेस लेंगे और इनका साइज सेम रहेगा, रफली आप हाफ मीटर का ले सकते हैं स्केयर बना के. और एक हम लेंगे नेचुरल फाइबर से बना हुआ, दूसरा पीस हम लेंगे सिंथेटिक फाइबर का. अब यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि हमें सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स के दो पीसेस चाहिए, तो योर पेरेंट्स विल हेल्प. अब क्या करना है कि आपको दो कंटेनर लेने हैं, दोनों में ही इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड करना है. सपोज करो आपने दोनों में 100 ml वाटर ऐड कर दिया. अब क्या करेंगे, जो आपने ये दो पीसेज लिए थे, सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर. उसके बाद आप इनको 5 मिनट्स तक पानी के अंदर छोड़ देंगे. टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड फिर उसको सनलाइट में स्प्रेड कर देंगे. स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स. अब आपको कंपेयर करना है द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. यानी कि अब ये देखिए, सपोज करो आपने 100 ml वॉटर लिया था दोनों कंटेनर में, और अब सपोज करो कि आपका 50 ml या 20 ml आपका जो क्लोथ का फैब्रिक था उसने सोक कर लिया. तो अब रिमेनिंग जो वॉटर है वो दोनों कंटेनर में कितना है. तो अब आप ये देखेंगे कि डू द सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स. मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरेटिवली कम वाटर सोक करते हैं या ज्यादा. डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई. अब इसका आंसर क्या होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनसे जो फैब्रिक बनता है तो उनके बीच में जो है होल नहीं होते. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स से जो फैब्रिक बनता है वो इतने कंपैक्ट बनते हैं कि उनमें जो सिंगल फाइबर्स है उसके बीच में कोई होल नहीं होता. अब होल नहीं होगा तो सिंगल फाइबर्स के बीच में होल नहीं है तो वाटर सोक नहीं होगा, तो दे विल सोक लेस वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर. और अब क्योंकि उन्होंने वाटर कम सोक किया तो ड्राई भी जल्दी होंगे, दे विल टेक लेस टाइम टू ड्राई. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, SF का मतलब है सिंथेटिक फाइबर, दे सोक लेस वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स एंड दे ड्राई फास्टर. इट मीन्स दे टेक लेस टाइम टू ड्राई. सो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपको क्या पता चला कि ये जो है इनके बीच में, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स का अगर आप सिंगल फाइबर लोगे तो उसके बीच में गैप होल्स जो है वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कम वाटर को सोक करते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं. अब आप अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, उनको कैसे मेंटेन किया जाता है कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, उनका मतलब आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सो ये हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.